खड़ा होने जा रहा है उसको आगामी लोकसभा चुनाव तक स्थगित कर दिया जाता है। तो ये सवाल है, तो हम लोग के बीच एक समय भी बहुत ज्यादा मिलने जा रहा है, मई के बाद छात्र संघ चुनाव होगा। तो जब मई के बाद छात्र संघ चुनाव होगा और उसी बीच आज जो है 20 तारीख को आज जो कमिटी का विस्तार हो रहा है जिला अध्यक्षों जी का, विश्वविद्यालय अध्यक्ष जी का, तमाम लोगों का, आप लोग एक टीम बनाइए और जिला स्तर पर, हम लोग भी विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं और हमने वहां पर संगठन को बहुत ही कॉलेज स्तर पर हम लोगों ने मजबूत किया है और जो आगे जिन लोगों की जिम्मेवारी मिलेगी साथियों, उसी जिम्मेवारी के साथ आप लोगों ने हमारे जिला से भी कुछ साथी आए हैं, आरा जिला से, रोहतास जिला से, कैमूर जिला से हम लोगों का वर्क देखे हैं। तो साथियों, अब जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है, आदरणीय संरक्षक महोदय के द्वारा हम लोग को मॉनिटरिंग करने के लिए बनाया गया है। तो साथियों, सवाल है कि जब हम लोग तमाम जिला में जाएंगे और तमाम विश्वविद्यालय में हम लोग जाएंगे तो वहां पर निश्चित रूप से सांगठनिक ढांचा तैयार होनी चाहिए। सांगठनिक ढांचा में हम समझते हैं कि भीड़ भाड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, भीड़ भाड़ से बहुत कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमारे साथी वैचारिक रूप से नहीं मजबूत होंगे, जब तक हमारे साथी सैद्धांतिक रूप से नहीं मजबूत होंगे तब तक संगठन नहीं मजबूत हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये इसी विचारधारा को, इसी सिद्धांत को जो लालू जी का, जो हम लोग के नेता है, उनके विचारधारा को कैसे छात्रों के बीच हम लोग ले जाए और छात्रों के बीच ले जा करके उस विचारधारा को स्थापित करने का काम करें। जैसे आज विश्वविद्यालय में तमाम तरह के संघवादी मानसिकता के लोग अपनी विचारधारा को खोपने की कोशिश कर रहे हैं, उस विचारधारा को हम लोग कैसे निस्तारभूत किया जाए, उसको एक्सपोज किया जाए, ये हम लोग के सामने गंभीर समस्या है। तभी जाकर हम लोग का संगठन मजबूत होगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कमिटी विस्तार के रूप में कि जो तमाम लोगों का जो मनोनयन होगा वो अपने काम के प्रति जिम्मेवारी को समझे। और साथियों, आप लोग जिम्मेवारी समझिएगा तो निश्चित रूप से हमारे नेता का मनोबल मजबूत होगा, जब नेता का मनोबल मजबूत होगा तो निश्चित रूप से संगठन का, संगठन की जो शक्ति बढ़ेगी वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की शक्ति बढ़ेगी। इन चंद शब्दों के साथ साथियों, मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करते हुए, विनती करते हुए कहना चाहूंगा कि आप लोग तमाम जो जिला अध्यक्षों का, विश्वविद्यालय अध्यक्षों का जो मनोनयन होगा उसमें किसी भी प्रकार की मनमुटाव नहीं होनी चाहिए। और यदि इस तरह का सवाल उत्पन्न होगा तो आप लोग मिल बैठ करके बात करके अपने नेता के पास, हम लोग हैं, हम लोग के पास रखने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।